राइट सो भाजी सानू पता सीगा भी थोड़ी 2 तारीख नू फिल्म रिलीज होनी सी। हां शुक्रवार। सो तुसी हुण लाइव होके रात दे अपडेट दित्ती सी कि हुण 3 तारीख नू हो गई रिलीज। हां जी एक दिन लेट हो। केड़े ओ कारण रहे ने गल नू गोल मोल किते बिना सीधे शब्दां दे विच तुसी दसो भी की होया सीगा सर जी। थोनू सारेयां नू पता ही है पहला ही मैं तां यार ज्यादा नहीं नहीं गोल मोल मैं करदा ही नहीं है यार। मैनूं तां कहिंदे आ गोल मोल करके बोलेगा पर तुसी सारे जणे जानदे हो कि मैं पहला भी इंटरव्यूआं दे विच दस्या कि साडी जिहड़ी फिल्म आ आ बंद करनी पैणी आ। जो सिस्टम चलता इतने सो एक ही प्रोडक्शन हाउस जिन्हें साडे नाल लाई सी फिल्म है ना सो ओहदे जिहड़े एक्टर भी ने मेन ते ओह प्रोडक्शन हाउस भी सो ऑलरेडी पहले ही मैं गल शुरू तो हुण तां दसण लग्गिया क्योंकि पहले गल क्लीयर नहीं सी ते मैं पहला उन्होंने मैसेज भी किए हैं मेरे को मैसेजिज भी ने मैं मैसेजिज भी दिखा दूंगा एक्टर भी जसवीर ने भी गल की है फोन पर उन्होंने जेडे डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने भी कि भाई इदा ना करो कि साड़ी फिल्म का नुकसान हो जाए असी बहुत मेहनत करके क्योंकि वीरे उन्होंने पहली फिल्म आ तो इन्नी खुल के कोई बंदा कोई प्रोड्यूसर पहली फिल्म च नहीं आता हूँ हर बंदा डर डर के तोड़ के पैसे लाता है सो उन्होंने बेपरवाह हो गए इस फिल्म के उत्ते पैसे लाए वो फिल्म इस करके नहीं लाए कि असी फिल्म जो इन्ने पैसे कमा लिये इस करके लाए कि पंजाबी सिनेमे दे विच असी वधिया फिल्म बनाई है सो जिहड़े ऑलरेडी जिन्होंने नाल लाई सी फिल्म उन्होंने असी सारे रिक्वेस्ट भी की बेनती भी की पर तुहानू पता किसी ने गल मनी नहीं सो साडे नाल फिल्म लाई पहला साडा वो नुकसान किया उस नुकसान का वो नुकसान इदा हुंदा ये नहीं हुंदा कि फिल्म तो तुसी देख ही ली है ना सारे ने हाउसफुल चले गए कहिंदे अज सारे सो उन्होंने आपका नुकसान तो की करना सी उन्होंने साडा बहुत नुकसान किया कोलों पैसे नहीं लगे सी साडे शोआं का नुकसान किया जो उन्होंने पता लगे कि यह चीज़ लिमिट तो नहीं हो सकती तो साडा जिहड़ा सेंसर जी वो लगाता कल तो सानू कल मिलना सी सेंसर वीरवार शाम को मिलना सी असी वो वीरवार नहीं अपलाई किया 20 तरीक का अपलाई किया ये भी नहीं कि असी लेट सी साडी फिल्म फरवरी की रेडी हो सारी एडिट हुई सी सो जिहड़ा बड़ा नलैकी जिहा वाला रीज़न आ मतलब कि साढ़े सेंसर से साइन ही नहीं हुए सो लेट कराता सो असी सारे नवे बंदे हैं साढ़े कोई एडे कनैक्शन नहीं है इन्होंने चीज़ों के उन्होंने बंद हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारिया फिल्म पहले बनाई प्रोड्यूस की उन्होंने बंदों के सो असी जिमें भी करके उस चीज़ को पार किया सारी टीम ने बड़ी हिम्मत की आ कि सारी चीज़ के निकलिया जाए क्योंकि शुक्रवार अज मेरे को वीडियोज़ आई ने वीरे ने पाइया भी ने स्नैपचैट से भी असी शेयर भी की लोग ना जो घरों फिल्म देख आते हैं तो मुड़ जाते हैं थिएटर चो ये बहुत वड्डा मतलब पाप आया कि बंदे दे मेरी अखां च मैं सच्ची तुहानू सारेयां नूं दसदा जदों मैं कदी घबराउण वाला बंदा नहीं हैगा ना मैं घबराउंदा ना मैनूं कोई चक्कर आ पर जदों अज लोकी मुड़दे देखे सी ना टिकट विंडो तों शुक्रवार नूं तां मेरी सच्ची आप दी अखां भर आईयां सी क्योंकि यार वो सारे लोग ना मोटरसाइकलां ते 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरों पिंडां चों यार थिएटर तक जांदे ने सो कईयां तक मेरी गल नहीं पहुंची सी कि साडी फिल्म नहीं आ रही सो जिहड़े वी बंदे गए सी वो बंद जो मैं देखा ना तो वो मेरी अंदरों सच्ची रूह में दुख लगे कि यार इदा क्यों होया सो पहला उन्होंने सारे तो माफ़ी जेडे आज शुक्रवार फिल्म देख गए थे उन्होंने अच्छ फिल्म नहीं लगी देखी दूजी मैं चाहना भी हाँ यार तुम सारे सपोर्ट करो हूँ शनिवार को शुक्रवार नहीं आ रही शनिवार आ रही असी सारी टीम का जोर लग्या डायरैक्टर प्रोड्यूसर के अलावा भी बड़ी दुनिया का जोर लग्या जिन्होंने इस फिल्म सेंसर से हैल्प की सू फिल्म सेंसर दवाया सो उन्हां सारिआं दी भी मेहनत है तो जिहड़े लोग शुक्रवार आ के खराब होए उन्हां दा यार हौसला ना टुटे सो मैं चाहुंदा तुसीं सारे जणे शनिवार नूं फिल्म देखियो तुसीं फिल्म ते बड़ी मेहनत की आ सो जे तुसीं फिल्म देखोगे यार तुहानूं आप नूं लगेगा कि इदां नहीं होना चाहिए सी सो ये जिहड़ा धक्का है इहदा चलदा ही रहिंदा सो मैं ते शरेआम ही दस्सिया कि जो भी होया सारी ए टू जैड गल दस्सी आ तुहानूं सिर्फ ये गल नहीं दसी कि रकाया कितना ठीक है मैं बाद च दस दूंगा हूँ इन्नी भी मतलब मैं चाहता फिल्म के बारे ज्यादा गल करा सो रुकाया के तो भी दस दूंगा पर एक दिन जोड़ा लेट होया जो नुकसान होया यह सारी की सारी कार्यकारी उन्होंने हुई है विद प्रूफ गल कर सकता मैं ये बारे जैसे थोड़ा सच्ची लगता है कोई किसी बंद इन्नी पावर होंगी है कि किसी मेहनत को इतना रुकवाया जाए या सेंसर बोर्ड से कोई बंदा एक तो हावी हो जाए वीरे आप बड़े बेवकूफ हाँ जब मैं बड़ा बेवकूफ हाँ मैं कह दिना यार फलाने बंद ने ए करता वो बड़े स्याने लोग ने कहें असी तो जो ऐ कहना ना बंदा असी थोड़े नाल जो मैसेज आया ना उन्होंने वालों मेरे फोन च मैसेज आज भी लास्ट मैसेज उन्होंने यही है असी तो जिन्होंने नाल फिल्म लाई उन्होंने आखिरी मैसेज भी है असी तो सो जो बंदे यह जो होंगे ना वो उन्होंने कुछ नहीं करना
उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहना जिन्हों दाल 15 फिल्म सेंसर चो लंघनिया होंगे ना सो उन्होंने वधिया कनैक्शन बने होंगे ने उन्होंने इन्ना ही कहना एक दिन लेट कर दो सो एक दिन लेट कर ली कोई रीज़न नहीं होंगे सैनी ने वह कह देंगे यार अज नहीं करने कल कर देंगे उस तुम कमांड नहीं कर सकते किसी डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि उत्थे वो सेंटर बोर्ड आ सेंटर सरकार का हक आ कोई सरकारी काम नहीं है मतलब कि जिदे ते असी सिफारश पा लीए उत्थे कनैक्शन दे नाल ही काम होता नहीं नहीं शुरू तो ही भाजी पहले दिन तो ही जिदन शूट शुरू होया उस दिन तो ही मैडल नाम सी कोई नाम नहीं चेंज होया कोई कुछ नहीं सी तुसी आप जानते हो परमात्मा जानता जिनी लोगों इस फिल्म की वेट सी जिनी हाइप सी तुम थिएटर चंडीगढ़ में आप ही पता करके देखो तुम किन्ने लोग मुड़ के गए हैं जिन्हें नहीं पता लग्या सी सो जो शुक्रवार का नुकसान है ये उन्होंने भरना थोड़ी है सो ये मैं भी नहीं दोबारा भर सकता शुक्रवार का शुक्रवार तो शुक्रवार ही भरूगा सो शुक्रवार का फिल्म को एक ही होंगे जो पहला होंगे पूरी इंडस्ट्री ने नहीं कुछ बंद ने गिप्पी बाई ने मैं सवेरे फोन किया कहते यार तू ना इंटरव्यू चाहे कह दिता सारी इंडस्ट्री ऐ करती कहते मैं तेरे कभी माड़ा थोड़ी किया सो उन्होंने मेरे मैं कभी नहीं कहा कि उन्होंने माड़ा किया जहाँ किया मैं तो कहना है बोलते है ना सो कहते इदा ने क्या कर इदा क्या कर जिन्ह ने माड़ा किया उन्होंने ना लिया कर वो कहते मैं आप नहीं काम करता उन्होंने जिन्हें तेरे फिल्म लाई 5 साल हो गए कहते मेरी कोई फिल्म आई है सो मैं इस करके वो कहते क्लीयर कराया कर सो इस करके मैं कह रहा वो हीरो उस फिल्म के हीरो तो उस प्रोडक्शन उस डिस्ट्रीब्यूशन आ उन्होंने दोवों भी मैसेज किए ने मेरे फोन च ने 10 मई के कि भाई साड़ी फिल्म आनी ना लाओ उन्होंने उस मैसेज का रिप्लाई किया असं तुहाडे नाल आ तुसीं टेंशन ना लो हाँ मैसेज का रिप्लाई मैं तुम्हें भेज दूंगा ला लो ना उस तो बाद मैं जो आ गई उन्होंने अनाउंस की फिर मैं उन्होंने कहा कि यार तुम बड़ा गलत गल किया काम किया वो कहते कॉल नहीं गई प्रोड्यूसर की कॉल आ वो भी प्रोड्यूसर नवे ही ने सो प्रोड्यूसर की कॉल नहीं गई उन्होंने आप भी कॉल आ ये कोई रौला नहीं देसी जंक्शन म्यूजिक लेबल इन्होंने जो आपकी मेहनत बनाया बाणी शुरू तो इन्होंने काम कर दिया बाणी के जिन्हें गाने वीरे ने लिखे होर भी बड़े लोगों के गाने गिप्पी बाई का भी गाना बहुत बहुत सारे लोगों के गाने इन्होंने लिखे पर जिनी मेहनत की जिनी कमाई की सारी इस फिल्म से लाई हूँ उस कमाई का जोड़ा पहला दिन है वो तुम भी ता ही गल करोगे ना जो पहला दिन जो व्डा लाद होता फिल्म सो वो जो पहला दिन उत्ते मार वार करना वो ए ही है कि जो तुम एक कोठी बनाई तो वो सारी की सारी कोठी कोई बंदा ढा के रात को चल जाए तो तुम कि महसूस करोगे सो वो फीलिंग होगी क्योंकि सवेर का तो यह पता ही नहीं लग रहा यार कर की दिता इन्होंने साढ़े का तो बस ये इन्हां दी एक गल सी जिहड़ी मतलब मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सी राइट सो भाई सानूं पता ही लग्गिया वी सेंसर दी कैंची वी चली आ फिल्म ते हां हां चाहिए हैगी है मतलब हां 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 तां ओह जाहिर जी गल है तुसीं बहुत इमोशनल होके फिल्म बनाई आ मेहनत नाल फिल्म बनाई आ सो ओह चीजां मतलब यार ओहदे च ना ओह बड़ी लंबी गल आ जे मैं तुहानूं दसण लग्गिया अद्धा घंटा लग जाणा उस गल नूं ओह बहुत बहुत माड़ी गल है यार पर इंपोर्टेंट हाँ इंपोर्टेंट बहुत है पर मैं उस गल बारे इस करके गल नहीं करना चाहता कि जो तो नुकसान कर ही दिता यार इन्ना होर हूँ वो बारे ज़्यादा ज़्यादा जिक्र करना मैं नहीं चाहता साड़ी फिल्म से कोई किसी तरह की नैगेटिविटी असं प्रमोट करिए क्योंकि सारी बड़ी मेहनत ना फिल्म बनाई वो मेहनत ना ही मैं चाहना पॉजिटिविटी ना ही जाए हाँ जी हाँ जी उस संतुष्ट हाँ अभी कहानी ना छेड़छाड़ नहीं की कहानी ना छेड़छाड़ नहीं की पर नजायज पंगे लेने बहुत साढ़े गाने कटते फिल्म चो साडे गाने कटते फिल्म चो ते अद्धे गाने असी सरप्राइज रखे सी कि जेड़े हां जी भाई कोई तुसी गाना छोड़ तुसी गाना राजा भाई वड्डा भाई बदमाश आ राजा भाई बदमाश आ गाना है ये गाना कटता उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लाई थी कि बदमाश आ गया ये ऑब्जेक्शन बस यही कि पिछों फोन चल जांदा भाई फिर लग फिर आ ऑब्जेक्शन एक्चुअली भाई वो गाना मतलब कि जमे बॉलीवुड च हुंदा वा पंजाबी फिल्म च पहली बारी गाना आ रहा है सो लेवल ते वह कला गाना ना पहली बार पंजाबी फिल्म एडे वे लैवल से असी शूट किया गाना तो गाना असी रिलीज़ ही इस करके नहीं किया कि यह गाना फिल्म का गाना है हाँ जी हाँ जी चीजा मतलब कि दिल दुखी होंगे और
ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਏ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟੇ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਮਾ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮਾਮਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸੌਂਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਸੋ ਜੈਦ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਲੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਓਗੇ 8 ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ 8 ਪਰਚੇ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸੋ ਨੋ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਐਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ